नजरों में भारत ताकतवर भारत बन गया है। देखा हमने 2008 में भी मुंबई में आतंकवादियों ने हमला किया था, ताज होटल पर सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। क्या हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ? कुछ नहीं हुआ था। इस बार हुआ। बैठकर हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया हम लोगों के साथ, और उसके बाद हमारे एयरफोर्स के जवानों ने भारत की धरती से नहीं, पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकाने का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। और कहते हैं लोग, कांग्रेस के लोग, ये बताओ कितनों को मारा, कितनों को मारा? अरे दो चार हों तब तो बतला दें कितने मारे, इतने मारे गए तो कैसे बता दें? और बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बहादुर जी कहीं फिर जाता है दुश्मन पर धावा बोलने तो मारने के बाद खड़े होकर गिनता है 1 2 3 4 5? क्या करना चाहिए? मैंने कहा जो वीर होता है बहनों भाइयों, वह लाशें नहीं गिना करता, लाशें गिनने का काम तो गिद्ध करते हैं, कभी वीर नहीं किया करता। जब 2019 में हमने सर्वे किया तो हमने देखा कि भारत में केवल 5 करोड़ लोग गरीबी के गंभीर संकट से गुजर रहे हैं, 7.5 करोड़ लोग 3-4 वर्षों में वहां के प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कुछ कर दिया कि वो गंभीर गरीबी के संकट से बाहर हो, 7.5 करोड़ बाहर हो, 3-4 साल के अंदर की बात बता रहा हूं। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, यह अमेरिका का माना जाना थिंक टैंक उसका आंकड़ा है। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं भैया भाई, शायद अगले 5 वर्षों के बाद यदि आज आपके बीच आऊंगा, शायद यह मुझे कहने का सौभाग्य प्राप्त हो कि शायद 2-4, 10, 15, 20 लाख लोग ही बचे होंगे जो शायद गंभीर गरीबी के संकट से गुजर रहे होंगे, नहीं तो भारत ये गरीब मुक्त भारत होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।